अस्सलाम वालेकुम बच्चों, रिकॉर्डिंग हम भूल गए थे लेकिन अब यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ये मैं इसका जो है ओवरव्यू तो दे चुका था, बट यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सर ये अगर हमें z की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने z की वैल्यू ये भी डिस्कस कर ली कि टेबल से कैसे निकालेंगे, अगेन भी मैं बता दूंगा सर z की वैल्यू हमारे लिए बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। अगर तो गिवन है तो मसला नहीं है, गिवन है तो आई कैप का शुक्रिया करें, आगे निकलें, बात खत्म, उसे टेबल में जाके देखें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको z की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। बट मसला ये भी है कि क्या सर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, वेरियंस गिवन होगा या मीन गिवन होगा? सर अगर तो गिवन होगा तो हम उससे भी कर लेंगे, अगर गिवन नहीं होगा जस्ट एक्स है तो फिर भी हम जी की वैल्यू निकाल लेंगे। और नंबर थर्ड पे आपको जी क्वेश्चन में गिवन कर देगा, जी की वैल्यू गिवन कर देगा, कहेगा जी फाइंड एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सर इसके पैरामीटर्स दो है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। एरिया अंडर द कर्व इज वन, सर ये इसकी सिमेट्रिकल डायग्राम है, इसके अंडर जो एरिया आ रहा है ये तमाम का तमाम एरिया वन के इक्वल होगा और 100% के इक्वल होगा। सर अगर मैं इसे दरमियान से डिवाइड कर दूं तो सर इस तरफ से इस तरफ वाला 50% या 0.5 होगा और इस तरफ से भी 50% या 0.5 होगा। अब सेंट्रल पॉइंट, इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है यहां पर z इज इक्वल टू जीरो होता है, अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव z आएगा और अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। सर एक्सट्रीम राइट साइड को प्लस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। और सर जहां z इज इक्वल टू जीरो होता है वहां मीन मीडियन और मोड तीनों आपस में इक्वल होते हैं। सर ये चंद बातें हमने इससे पहले भी कर ली हुई हैं और रेंज वो बता रहा है कि माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी, जो कि हमने अभी डिस्कस कर ली। और अब ये मीन इसमें क्या होगा जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा वन। यहां पर मैंने बात की थी कि अगर जी की वैल्यू पूछे, एक्स गिवन हो, मीन ना दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हो, तो हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि मीन क्या है जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन। ये हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं। इसका भी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। सर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में अब वो कहता है जी कैन बी इजीली, अब आपके पास मीन कैन बी एनी वैल्यू अदर देन जीरो। अगर आपके पास मीन की अदर देन कोई भी वैल्यू आ गई है, मतलब जीरो से कोई हटके है, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई भी वैल्यू है वन से हटके है, तो फिर हम कहेंगे कि ये केस टू हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि केस वन में तो मीन की वैल्यू जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वन, अगर इससे हटके है तो फिर हम जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला लगा रहे होंगे, जो कि हमारे पास x माइनस मीन आवर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। सर ये कुछ क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चन को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब इस केस में वो कहता है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन। अब इससे पहले कुछ ऐसे केस डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूं भाई कि जब मेरे पास मीन एनी वैल्यू अदर देन जीरो, मीन क्या है कोई भी वैल्यू है अदर देन जीरो, लेकिन मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि ये केस नहीं कर रहा, जिस केस में, या दोनों केस को ही मैं कंपैरिजन करवा देता हूं, ऐसे कर लेते हैं कि यहां पर लाइन लगा लेते हैं और इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं। लाइन भी टेढ़ी लग गई, यहां पर हम लाइन लगा के इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पर मीन मैं कह देता हूं भाई कि मीन है जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन है
वन, मीन जीरो है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन है। तो सर इस केस में अगर मुझे z निकालना हो और मैं कहता हूं कि मेरे पास x इज इक्वल टू आपको निकालना है 2.5, जब x 2.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगी, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है, ये डिस्क्रीट डेटा नहीं है। सर अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखूं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सर z की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, x हमारे पास 2.5 है, मीन हमारे पास 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और आंसर क्या आया 2.5 आया। सर z इज इक्वल टू 2.5 आ गया। क्या ये हमारी प्रोबेबिलिटी है? सर बिल्कुल भी ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती। सर ये वो वैल्यू है जो हमने टेबल में जाके देखनी है। तो सर आप टेबल में जाके ये वैल्यू देखेंगे कैसे? टेबल हमारे सामने ये आ गया, अब मैं इसे अरेज कर रहा हूं, 2.5 हमारा आंसर निकला है। सर 2.5 यहां पर देखिएगा कि ये 2.5 है। सर यहां से मैंने लाइन लगा ली कि मेरी जो भी वैल्यूज है इस लाइन के ऊपर वाली ही होंगी इनमें से कोई वैल्यू, ये तो मैंने इतनी बात कर ली। क्या 2.5 के बाद कोई डिजिट है? सर नहीं है। अगर तो होता वो चाहे 7 होता तो फिर हम क्या करते, 0.07 में चले जाते, 0.07 में चले जाते, जैसे कि वो हमारे पास यहां पर आ जाता, लेकिन यहां पर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यही अज्यूम करेंगे कि इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास 0.0 ही है। तो यही वाला कॉलम हमारे पास यहां पर आ जाएगा और जो वैल्यू ये है ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा 0.4938। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.4398, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सर दूसरा केस ये है कि डायरेक्ट वो कह दे कि z इज इक्वल टू 2.5, तो सर फिर भी सेम आप वैसे करेंगे। अगर आपके पास इसका उसने डायरेक्ट आपको बता दिया है तो फिर भी अगर आप देखें तो फिर भी आपके पास z क्या निकलता है, 2.5 ही निकलेगा। अगर आप इसको इसके फॉर्मूला में भी ले जाते हैं, और हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो है वो एक्स कोई भी वैल्यू उसने दी होगी, लेकिन यहां पर तो जब उसने z ही बता दिया है तो z हम जाके डायरेक्ट टेबल में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया, जैसे ही सर आपके पास सबसे पहले वैल्यू आए 2.5 की तो आप उसे ड्रा कर लें एक डायग्राम। सबसे पहले तो देखें कि यहां पर z इज इक्वल टू 0 है, आपके पास 2.5 है, पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे आएगा और 2.5 कहीं यहां पर आ रहा होगा। अब आपको यहां पर लाइन लगा लेनी है। सर आपको अब ये वाला एरिया चाहिए जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका एक और भी केस आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3.2 है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सर ये केस आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्स से कोई भी टेबल से वैल्यू नहीं देख सकते, क्योंकि टेबल में वैल्यूज किसकी हैं, z की वैल्यू है। तो फॉर्मूला लिखेंगे आप जिसमें x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है, जबकि उसने कोई मीन नहीं बताया, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करेंगे कि आपके पास मीन क्या है, 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन
वन है, तो जी का आंसर 3.2 निकला। सर जब इसका आंसर 3.2 निकला है तो अब आप डायग्राम ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले z इज इक्वल टू जीरो है तो 3.2 कहीं यहां पर आ रहा होगा। अब उसने क्या कहा है कि मेरा x जो भी वैल्यू है वो 3.5 से ग्रेटर है, तो सर यहां से ये वाला एरिया मुझे चाहिए। सर अब मुझे ये बताएं कि यहां से यहां तक का एरिया तो 50% है या 0.5% है, लेकिन ये पॉजिटिव इनफिनिटी है, क्या मैं यहां से 3.2 से ऑनवर्ड आगे वैल्यूज देख सकता हूं? सर बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सर फिर मैं कैसे वैल्यूज देखूंगा? तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये जो मैंने कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू b है, सर ये वाला एरिया a है, अगर मैं a प्लस b करूं तो इज इक्वल टू c बनेगा, जो कि c इज इक्वल टू, क्योंकि हमारी राइट साइड 50% है या वो क्या है 5% 0.5 है। तो सर अब मेरे लिए जो आसानी वाली वैल्यू है वो जीरो से लेकर 3.2 तक की देखना है, मींस के मैं टेबल में 3.2 देखूंगा, जो भी आंसर आएगा वो a प्लस b इज इक्वल टू c। अब मेरे पास a का आंसर आ चुका होगा, c का आंसर मुझे पता है कि दोनों को ऐड करूंगा तो 50% ही बनेगा, और जो भी इसका आंसर होगा वो इस तरफ आके 0.5 से माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास सर ये जो वैल्यू है इसका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को ये जो मैंने बात बताई है ये इसकी समझ ना आई हो, और ये वैल्यूज टेबल में जाके आप लोग खुद देखेंगे, क्योंकि बार बार मैं टेबल की तरफ नहीं जा सकता। अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफा टेबल से दोबारा इसकी वैल्यूज जो है वो आपको बता देता हूं कि कैसे देखें। जी बता दें बच्चा, बता दें। ओके बिलाल बता रहा हूं मैं, बिलाल कह रहे हैं जी बता दें। अब 3.2 है, मैं ये लास्ट टाइम वैल्यूज बता रहा हूं भाई, क्योंकि बार बार स्लाइड पे आना जाना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। 3.5 आपको लास्ट पे एक वैल्यू नजर आ रही है 3.5 की। सर यहां से अगर नीचे आए तो 3.5 की एक वैल्यू आपको नजर आ रही होगी। सर ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये 3.5 की है, क्या 3.5 के आगे कुछ और लिखा है? नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि वो पहले ही कॉलम की है। सर अगर 1 लिखा होता तो फिर वो किस कॉलम में चली जाती? दूसरे में। अगर 2 लिखा होता, 1 ना होता, तो फिर ये दूसरे कॉलम में सर चली जाती। तो ये इसका आंसर 0.44 499 77, इसका आंसर पॉइंट बी का जो आंसर है वो 0.4997 होगा, जो एरिया हमें चाहिए। सर बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मुझे एरिया चाहिए कहां से कहां तक, मीन माइनस 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 1.0 स्टैंडर्ड डेविएशन। सर यहां पर भी वो एक्स की वैल्यू ही बता रहा है कि यहां पर मीन हमारे पास ज्यूम क्या करेंगे सर जीरो है, क्योंकि मीन की कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं बताई तो ज्यूम क्या करेंगे जीरो। स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई भी वैल्यू नहीं बताई तो अज्यूम क्या करेंगे 1। तो क्या सर मेरे पास z जो ये बनेगा वो माइनस 3.5 बनेगा,
एंड बिटवीन, और दूसरा क्या बनेगा प्लस वन। सर जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों के दरमियान फॉल कर रही होगी। मीन ये है कि जो भी मेरे पास जी की वैल्यू, एक ये है एक ये है, ये दोनों मेरे पास जी की वैल्यूज हैं। यहां पर मैंने दोनों जी की वैल्यूज को लिख लिया। अब मैं डायग्राम को ड्रा करूंगा। अब देखिए सर, एक उसने वैल्यू बताई है, यहां पर तो जी इज इक्वल टू जीरो है सर, प्लस वन कहीं यहां पर होगा और माइनस 3.5 यहां पर होगा। मुझे बिटवीन वाला एरिया चाहिए, क्या मैं ये एरिया दोनों एक साथ देख सकता हूं? सर नहीं देख सकता। अब मुझे क्या करना है, जब हम जी के टेबल में वैल्यूज देखेंगे तो वहां पर माइनस का साइन जो है वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वहां पर कभी भी नेगेटिव जी की वैल्यू नहीं दी होती, तो सर हम जी का साइन इग्नोर कर देंगे। तो टेबल में अगर हम 3.5 की वैल्यू देख रहे होंगे तो सर वो हमारे पास वैल्यू जस्ट जो भी निकलेगी वो इस लाइन से यहां तक की होगी, ये वाला एरिया जो है यहां तक की होगी। और अगर दूसरी वैल्यू हम 1 की देखेंगे जो यहां से लेकर यहां तक की होगी, ये वैल्यू आप जी के टेबल में अलग देखेंगे, ये वाली वैल्यू जी के टेबल में अलग देखेंगे, फिर आप ए प्लस बी जो भी टेबल में दोनों वैल्यूज आई होंगी दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर बनेगा वो आंसर इस शेडेड एरिया का होगा। बात समझ आ गई है जी? बता दें, बात समझ आ गई है? जी सिर्फ बात इतनी सी है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन बात रसवाई की है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन बात जस्ट इतनी सी है। ले जी दूसरा केस देख लेते हैं, जिसमें अब क्या आ गया है, मीन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है और एक्स की वैल्यू भी गिवन है। ये केस टू आ गया है। अब इसमें वो कहता है कि पी प्रोबेबिलिटी बतानी है एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी मींस कि एक्स लेस देन और इज इक्वल टू 108, मतलब 108 से आपका एक्स कम है या उसके इक्वल है। सर लेस देन लिख लें, लेस देन। अब क्या करूंगा सर, मैं यहां पर पहले तो z की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि डायरेक्ट मैं इसे टेबल से नहीं देख सकता। तो फॉर्मूला लिखा x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर वेरिएंस। क्या सर मीन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है? जी दी हुई है, x इज इक्वल टू 108 माइनस 120 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 20। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जी का आंसर क्या निकला है? सारे बच्चे कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे, 108 में से 120 को माइनस किया, 20 पे डिवाइड करवाया, जी का आंसर निकला -0.6। सभी बच्चे टैली कर लीजिएगा, क्या जी का आंसर यही निकला है? सर अब जी का आंसर जब ये निकला तो आप अब डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। यहां पर तो सर आपका जी इज इक्वल टू जीरो है, यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव की आएंगी, यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव की आएंगी। तो सर ये नेगेटिव की वैल्यू है तो मैं कहता हूं कि यहां पर 0.6 है C की वैल्यू। अब मुझे एरिया कौन सा चाहिए, ये डायग्राम बनाना इसमें जरूरी है। अब मुझे एरिया कौन सा चाहिए,
सर उसने कहा है कि एक्स जो है वो लेस देन है 108 से, तो मतलब कि जी की वैल्यू यहां पर आ गई, तो मुझे ये जी का आंसर निकला है। अब मुझे इसका लेस देन का एरिया चाहिए, तो ये मैं लेस देन का एरिया जो है वो मैंने शेडेड कर लिया है। जो सर लेफ्ट साइड पे एरिया आ रहा होता है वो लेस देन का एरिया होता है, एट लीस्ट का एरिया होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी एट लीस्ट का वर्ड नजर आए, लेस देन का वर्ड नजर आए, या तो फिर आप समझ लें कि वो एरिया जो भी आप ड्रा करेंगे वो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होगी। और अगर सर एरिया जो है वो आपके पास आ रहा है राइट साइड में, तो वो आपके पास ग्रेटर देन का साइन होगा, और नंबर टू पे एट मोस्ट का केस होगा। राइट का वर्ड जहां पर भी होगा, मतलब राइट साइड पे अगर आ रहा है तो ग्रेटर और एट मोस्ट आएगा। और सर अगर मैं कहूं कि वो आपसे पूछता है भाई कि आप बिटवीन निकाल के दें, तो सर बिटवीन के लिए आपका दरमियान वाला एरिया आ रहा होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अब उसने मांगा क्या है, ब्लैक वाला मांगा है, ये एरिया मांगा है, तो सर जीरो से लेकर 0.6 तक का एरिया कैलकुलेट करें टेबल में, और इसे ये जो पूरा एरिया है इसे जो भी आंसर निकलेगा 0.5 में से इसके आंसर को माइनस करवा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक का एरिया 50% है, और जो इसका आंसर आएगा वो इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। जी यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आईकेम में आए हुए। नेक्स्ट वो कहता है कि आपके पास अभी भी मीन वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन वही है, बट केस चेंज हो गया है। केस में वो कहता है कि आपका एक्स 145 से तो छोटा है, लेकिन आपका एक्स 84 से बड़ा है। ये वाली वैल्यूज आपने निकालनी है। सर सबसे पहले तो ये वैल्यूज को आप हाईलाइट कर लें। एक आपके पास x क्या है जी, ये लिखें कि ये आपकी x ग्रेटर देन 84 है। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है जी x लेस देन और इक्वल टू 145 है। सर पहले तो इसकी z की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो z1 होगा, यहां पर x1 x2 कर लें। यहां पर x1 माइनस स्टैंडर्ड मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 84 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 20। C1 का कोई बच्चा मुझे आंसर बता दे भाई। यहां पर Z2 का आंसर निकाल लेते हैं, X2 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 145 माइनस 120 ओवर 20। C2 का भी मुझे कोई बच्चा आंसर बता दे। सर Z1 का माइनस 1.8 है और Z2 का 1.28 है। सर ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं अपनी डायग्राम जो है वो बना रहा हूंगा। सर सेंटर में तो क्या है, जीरो, ये तो अच्छे से याद हो गया। राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव, ये भी याद हो गया। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज। सर
यहां पर 1.28 आ जाएगा और यहां पर -1.8 आ जाएगा। अब उसने क्या बोला कि उसे एरिया कौन सा चाहिए? सर उसे एरिया बिटवीन वाला चाहिए, क्योंकि उसने ये कहा था कि ये 145 से एक्स छोटा है। जब उसने छोटा बोला तो मतलब हमारी 145 की वैल्यू क्या निकली, 1.28, मींस के इससे एक्स छोटा होगा। जब छोटा है तो क्या हो गया है, लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह उसने कहा कि एक्स ग्रेटर है 84 से, सर इसका आंसर -1.8 आया। तो जब ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि उसने राइट साइड वाला एरिया मांगा है। तो सर मुझे फिर बिटवीन वाला एरिया चाहिए होगा, क्या मैं ये डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। मैं क्या करूंगा सर, मुझे दो दफा टेबल में वैल्यूज देखनी होंगी। एक दफा -1.8 जो है इसके माइनस को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि टेबल में कभी भी नेगेटिव की वैल्यूज नहीं होती। 1.8 की वैल्यू देखनी है वो यहां पर लिख लीजिएगा, फिर आप 1.2 तक की वैल्यू देखेंगे वो लिख लीजिएगा, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है सर? ले जी नेक्स्ट। अब अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 5.03। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन है जी 5.03 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.03। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज बिटवीन 5 to 5.06। मतलब मुझे दो वैल्यूज देखनी है जो बिटवीन आ रही हो 5 to 5.06। मतलब एक वैल्यू एक्स की ये है और एक 5.06 है। तो सर जब ये वन ये टू मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, पहली वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं 5 - 5.03 डिवाइडेड बाय 0.03 और इसको निकालने के लिए 5.06 - 5.03 डिवाइडेड बाय 0.03। कोई बच्चा मुझे Z1 की वैल्यू बता दे और Z2 की वैल्यू बता दे। सर Z1 की वैल्यू है -1 और Z2 की वैल्यू है +1। सर Z1 की वैल्यू -1 और Z2 की वैल्यू +1। सर अब मैं इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा डायग्राम की मदद से। सर यहां पर तो जीरो है, कहीं यहां पर आके मेरे पास +1 होगा और यहां पर -1 होगा। तो सर मुझे ये वाला दोनों का एरिया चाहिए। सर इसका और इसका आंसर दोनों का एक दफा ही निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। बस वो आपको जो भी आंसर निकलेगा वो इसका भी होगा, इसका भी, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब एक दफा टेबल में वैल्यू देखी वो प्लस में देखी, तो प्लस में ये भी है ये भी है, यही वैल्यू इसी में लिख दें, दोनों को ऐड करके इसका आंसर ले लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सर बात क्लियर है? सर अब ये भी क्वेश्चन आई कैप का आया हुआ है। The lifetime of a certain kind of battery has a mean of 300 hours and a standard deviation of 35 hours. Sir, सबसे पहले तो आपको just देखना क्या होता है कि less than यहां पर क्या है जी, उसने
आपसे मांगा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जब भी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मांगेगा ना, या तो आपको जो एक्स की वैल्यू है वो आपको कंटिन्यूस में नजर आ जाएगी, या वो क्या कर रहा होगा आपको उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड नजर आएगा कि फाइंड क्या करना है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की भी यही एक हिंट है कि ये तो एक तो अनसर्टेनिटी वाला केस होता है, नंबर टू पे बहुत रेयर केस होता है, और नंबर थ्री पे जब भी वो क्वेश्चन पूछता है मोस्टली अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन करता है। सर अब इसका मीन हमारे पास 300 है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 35 आवर्स, और वो कहता है लाइफ टाइम मोर देन मींस के एक्स ग्रेटर होगा कितने से, 370 से। सर एक्स 370 से ग्रेटर होगा, ले जी सिर्फ इतनी सी बात थी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट में सिर्फ ये तीन चीजें वैलिड थी जो कि हम पहले क्या कर रहे थे, ऐसी चीजें खुद से अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब जस्ट हम क्वेश्चन को रीड करते हुए वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे उस फॉर्मूला में पुट कर रहे होंगे। सर यहां पर 370 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 35 आंसर क्या निकला जी का, सर आंसर निकला 2। अब ये जो 2 आंसर निकला है, अब आप इसको टेबल पे ड्रा करेंगे, डायग्राम में ड्रा करने के बाद आपका प्लस 2 आया, तो सर आपको यहां से यहां तक का एरिया चाहिए। क्यों ये ड्रा करते हैं, अब क्या यहां से यहां तक का ही एरिया चाहिए? सर यहां से यहां तक का एरिया नहीं चाहिए, ये जो 2 से आंसर आया होगा 2 का जी का टेबल देखने में, वो हमारा वैलिड आंसर नहीं होगा, वो हमारा आंसर वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब पढ़े उसने क्या कहा, लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 370, 370 से ग्रेटर है, 370 की वैल्यू 2 निकली है जी की, अब जी की वैल्यू 2 निकली है तो ग्रेटर है, मोर देन है, मैंने लिखवाया था ग्रेटर हो मोर देन हो एट मोस्ट हो, तो सर आपका राइट साइड वाला एरिया वैलिड होता है। तो अब राइट साइड वाला तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इनफिनिटी है, कहां तक देखें सर नहीं पता, अब क्या करें, जितना पता है सर उतना तो कर लें, क्योंकि हमें ये पता है कि यहां से यहां तक 0.5 का एरिया है, तो सर इतने का आंसर निकालें, उसे 0.5 में से माइनस कर दें, आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, बता दें जी क्लियर है। जी ठीक हो गया, ले जी नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। सर नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी शेप, अब हमें पता चल गया कि इसकी बेल शेप है, ये यूनिट मॉडल है एंड सिमेट्रिकल, मींस कि इसकी दोनों साइडें लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल होती हैं, और इसका मीन मीडियन मोड जहां पर जी इज इक्वल टू जीरो होता है वहां पर इक्वल होती हैं, ये भी बात हमने कर ली। अगर हमको मीन डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, वो कह दे के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से मीन डेविएशन को फाइंड करें, तो सर मीन डेविएशन का फॉर्मूला 4/5 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। सर अब मसला तो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, सर उसके लिए चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है। सर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है तो 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर मीन डेविएशन करना है तो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन।
सर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो क्या करेंगे? सर वहां पर अज्यूम करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और यहां पर भी अज्यूम करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। इसके क्वेश्चन भी मैंने एक एक डाला है, वो भी हम कर रहे होंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आई कैप पूछ लेता है डायरेक्ट, और आपको टीचर्स ने इनमें से कोई एक आध टेस्ट में भी पूछा होगा। सर ये अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करना नहीं आती तो ना करें। ये मैंने किस बेस पे बोल दिया कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद होती तो इन्हें ना करें? सर आपको पता है कि मीन अगर ना पता हो तो क्या पुट करते हैं? 1, 0। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो 1 पुट करते हैं। सर यहां पर z का आंसर z प्लस माइनस 1 निकलेगा। सर जो 1 का वैल्यू आई है उसे जाकर टेबल में देखें तो आपके पास आपको 68 ही नजर आएगा। इसी तरह अगर प्लस 2 करेंगे तो z प्लस माइनस 2 होगा। सर ये भी आप सेम वैसे ही उस एरिया को जाके 2 में देखेंगे तो जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस 2 का तो वो आपके पास यही आंसर बन रहा होगा, और सर 3 का भी सेम यही आंसर बन रहा होगा। अगर किसी बच्चे ने इन्हें याद कर लिया है तो वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने याद नहीं किया और वो ऐसे वैल्यूज निकालना चाहता है तो वो ये वैल्यूज ऐसे निकाल सकता है। लेन सर क्वेश्चन डाला था मैंने मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब रिस्पेक्टिवली का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है जैसे ऊपर उनके नेम लिखे हैं वैसे ही नीचे उनकी वैल्यूज हैं। पहले मीन है तो पहले मीन की वैल्यू, नंबर 2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो नंबर 2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी। सर मीन की वैल्यू दी हुई है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 5। हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन। सर मीन डेविएशन के लिए क्या मेरे लिए मीन की वैल्यू होना जरूरी थी? सर नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन का 5 आ जाएगा तो ये आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सर इसी तरह क्वार्टाइल डेविएशन अगर फाइंड करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन का 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आंसर क्या होगा? 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 तो ये सर 3.33 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? बता दें क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपने लेक्चर के एंड पर पहुंच चुके हैं और अब अंदाजा हो रहा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर केस वाइज देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, इसको पिक करना। और मैंने ऑलमोस्ट तमाम प्रोबेबिलिटी के आपको शॉर्टकट्स बता दिए हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या नजर आए तो क्या क्या करना है। सर अब स्टेप 2 फाइंड द वेरिएबल इन, अब वेरिएबल फाइंड करना हो, अगर नंबर 3 केस ये था कि z की वैल्यू गिवन होगी, मीन की वैल्यू गिवन होगी और x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स टू फाइंड वेरिएबल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर नंबर 1 स्टेप क्या करना होगा? आपको कैलकुलेट करनी होगी प्रोबेबिलिटी। अगर हमें जरूरत होगी तो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेट की हुई दी होगी। नंबर 2 पर हम डायग्राम बनाएंगे। सर नंबर 3 पर ड्रा दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दी ग्राफ।
नंबर फोर पर कैलकुलेट द एरिया ऑफ मिडल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो मैं अभी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये जब मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाइज तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे। नंबर वन में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर हमें जरूरत है तो, नंबर टू पे डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ग्राफ से लेकर उसे इंटरसेक्ट कर देंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रा करेंगे और फिर हम मिडल से लेकर उस एरिया को हाईलाइट करेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई द जी स्क्वायर ऑफ द एरिया इन स्टेप फोर। जो एरिया हमने पॉइंट किया होगा मिडल से इंटरसेक्शन तक, उस एरिया की हम जी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सर नेक्स्ट, असाइन द साइन ऑफ द स्क्वायर। हम उस स्क्वायर को साइन जो है वो असाइन कर देंगे कि वो उनके क्या क्या बनते हैं, पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में। और सर पुट दी जी स्कोर इन दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेरिएबल। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हमको क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है, तो जी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहां पर डिवाइड है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन। तो सर नीचे भी कुछ इसी तरह का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। बात यहां तक क्लियर है तो मूव करते हैं सर। अब कहेगा इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 14.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 15.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है सर। x की वैल्यू जब d4 होगा सर, डिसाइल है ये, डिसाइल का होता है कि हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, लेकिन मुझे d4 चाहिए। तो सर 10 में से डिसाइल 4 के आने के चांसेस क्या होंगे, सर 10 में से डिसाइल 4 के आने के चांसेस क्या होंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि डिसाइल 4 के आने के चांसेस क्या होंगे। ओके, इसके अलावा और इसका आंसर में 0.4 आएगा बच्चे। कैसे आएगा, क्योंकि हमें D4 तक का एरिया चाहिए। D4 तक का एरिया जब लेंगे तो 4/10 आएगा। जब 4/10 आएगा तो अब नंबर टू पे ये था कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है सर, निकाल ली, कितनी आई, 0.4 आई। अब 0.4 नंबर वन स्टेप है प्रोबेबिलिटी निकाल ली। नंबर टू स्टेप क्या है सर, डायग्राम ड्रा करेंगे। सर नंबर टू स्टेप भी हमने कर लिया। नंबर थ्री स्टेप में देखें कि 0.5 यहां पर क्या है, एरिया यहां से यहां तक का कितना है, 0.5, और यहां से यहां तक का 0.5। मेरा आंसर 0.4 में है सर। पहले 0.4 मींस के ये पूरा एरिया 100% होगा कि नहीं होगा, सर ये 100% होगा, लेकिन मेरा तो 40% तक आ रहा है। तो सर जब भी परसेंटेज में इसमें देखना है तो आपने एरिया लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ देखना है। अगर तो 60% होता तो सर ये कहीं यहीं पर लाइन बन रही होती, अगर 60% होता,
लेकिन सर ये 40% एरिया है तो ये यहां पर आएगा। अब क्या है सर, ये अब मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक 0.5 है या 50% है। नंबर वन स्टेप में हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, नंबर टू पे हमने डायग्राम बना ली, नंबर थर्ड पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रा कर लिया कि यहां तक 40% आएगा। नंबर फोर पे अब मैंने वो लाइन यहां से यहां ड्रा कर दी, अब यहां पर क्या आएगा 0.4 आंसर आ रहा है। सॉरी, अब आपका ये जो आंसर है ये है 0.4 आंसर, ये जो आंसर है ये है 0.1 का आंसर। सर आप 0.1 को देखें या 0.4 को देखें तो यहां पर एक z की वैल्यू बनेगी। वो z की वैल्यू कैसे बनेगी सर, जब हम z की वैल्यू से टेबल में जाते थे वो टेबल कुछ इस तरह का होता था कि अगर हमारे पास 1.26 की वैल्यू आई है तो हम 1.2 इधर से देखते थे और 0.06 इधर से देखते थे। अब हमारे पास आंसर आया है 0.4 का, तो सर 0.4 या 0.1 दोनों में से कोई एक देख लेते हैं। अगर सर 0.1 को देखूं तो 0.1 का जो भी आंसर निकलेगा यहां पर, सॉरी जो 0.1 यहां पर होगा वो उसके ऑपोजिट साइड और उससे ऊपर जो वैल्यूज हैं दोनों को ऐड करो तो हमारा z का आंसर निकलेगा। ये बिल्कुल उसका रिवर्स केस है कि अगर z की वैल्यू से आप x की वैल्यू निकालते थे यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालते थे, ये वाला एरिया सारा प्रोबेबिलिटी का होता है, प्रोबेबिलिटी का निकालते थे आप z की वैल्यू से, लेकिन आज आप प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है उससे आपको वापिस z की वैल्यू में आना है। तो जो भी आपकी आपका आंसर निकला है यहां पर, जैसे कि 0.1 आया है या 0.4 आंसर आया है, तो आप उसके ऑपोजिट साइड में यहां से एग्जैक्ट देखें कि 0.4 या 0.4 के कोई करीब वाला जो है, यानी कि 0.455 है और इधर पास कोई 0.399 वाला है, तो सर 0.399 0.4 के करीब है। तो आप क्या करेंगे, वो वाली वैल्यू के इस साइड भी देखेंगे क्या डिजिट है और इस साइड भी देखेंगे कि क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो z का होगा। तो सर वो z का आंसर अब आप यहां पर लिखेंगे 1.28। एक मिनट बच्चों, ये 1.2 आप यहां पर लिखेंगे जो कि 1.28 आंसर आया है। सर अब ये 1.28 आपका आंसर लेफ्ट साइड का आया है तो आप नेगेटिव लिख देंगे, साथ साइन नेगेटिव 1.28 का लिख दिया। साइन असाइन करने के बाद अब आपके पास z का वैल्यू आ गई है। सर ये जो z की वैल्यू आई है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस z की वैल्यू से आप अपनी x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, जिसमें अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन गिवन है, z हमने निकाल लिया है और अब आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो सर यही सबसे मुश्किल केस था, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के, जितने भी चांसेस हैं वो सिर्फ उसके हैं जिसमें आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू में स्टैंडर्डाइज खुद पुट कर देना है या वो आपको एक्स गिवन होगा और आपको सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस गिवन होगा और आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, और मतलब एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, बिटवीन है,
और फिर आप जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे टेबल में जाके। तो ये केसेस आते हैं, ये जो लास्ट केस है ये थोड़ा सा टफ केस है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और ये आईकैप बहुत कम पूछता है। ओके बच्चों, आज के लिए जस्ट इतना ही था हमारे लिए, और इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 8 उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट लेके और फिर सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, क्योंकि वही फॉर्मूलास हमने चैप्टर नंबर 14 से ऑनवर्ड इस्तेमाल करने हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।